हेलो फ्रेंड, टेक एसडी जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने फेसबुक में जब भी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं ऊपर में दिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम, तो कैसे इस नो इंटरनेट कनेक्शन के प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे, जो आज की इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ आपको सही करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं, स्वाइप करके मैं दिखा दूँ, जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा डाटा ऑन है, फिर भी ऐसे नो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करेंगे। यहाँ से मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर देने के बाद यहाँ से इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा, तो यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो या तो आपको ऐप मैनेजमेंट दिखाई देगा या फिर आपको ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप यहाँ से ऐप्स पर क्लिक कर देंगे। ऐप्स पर क्लिक कर देने के बाद देख सकते हैं दूसरे नंबर पर दिखाई देगा मैनेज ऐप का ऑप्शन, तो यहाँ से मैनेज ऐप पर आपको क्लिक कर देना होगा। मैनेज ऐप पर जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इस तरह के सारे ऐप आपके खुल के आ जाएंगे, जितने भी आपके फ़ोन में ऐप होंगे। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ से फेसबुक दिखाई देगा। तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ से फेसबुक पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ से इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे या ऊपर के साइड में आपको दिखाई देगा फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, तो सबसे पहले इसको एक बार फोर्स स्टॉप कर लेना होगा। फोर्स स्टॉप कर देने के बाद जाइएगा, आपको देख सकते हैं ऊपर में स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से स्टोरेज पर क्लिक कर देना होगा। स्टोरेज पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से दिखाई देगा आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन, तो यहाँ से आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करके नीचे भी दिखाई देगा क्लियर कैश का ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ से इसको एक बार क्लियर कैश कर लेना होगा। आपको क्लियर डाटा नहीं करना होगा, यानी नहीं तो आपकी जो भी आपका एक फेसबुक अकाउंट होगा वो लॉग आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्लियर कैश करके यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। बैक आने के बाद यहाँ से आप देख लेना होगा ऐप परमिशन का ऑप्शन, तो यहाँ से ऐप परमिशन में आपका जो भी परमिशन बंद रहेगा तो एक ही परमिशन को सारे को आपको अलाउ कर लेना होगा। यहाँ से सारे परमिशन को अलाउ कर देने के बाद यहाँ से आप सेटिंग से कट करके बैक आएंगे। कट करके बैक आने के बाद आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करिएगा। यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर देने के बाद यहाँ से सर्च पर क्लिक करके यहाँ से सर्च करिएगा फेसबुक। फेसबुक सर्च कर देने के बाद यहाँ से अगर आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने फेसबुक को अपडेट कर लीजिएगा। जो देख सकते हैं यहाँ से हमारा फेसबुक अपडेट मांग रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ से जब आपका फेसबुक यहाँ से अपडेट हो जाएगा तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा भी यहाँ से अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद यहाँ से आपका इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद जब यहाँ से ओपन का ऑप्शन खुल के आ जाएगा तब यहाँ से आपको ओपन भी कर दूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ से फेसबुक हमारा अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ से आपका ओपन का ऑप्शन खुल के आएगा, तो आप यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ओपन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो आपके यहाँ से नो इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा था वो प्रॉब्लम आपका 100% इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप भी अपने जो भी आपका नो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है आप भी सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड बस आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर